चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में पार्टियों का प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर की सावेर सीट पर तुलसीराम सिलावट का मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रचार किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा जन्मदिन था और आज दर्शन करने आया हूँ महाकाल भगवान से कि भगवान स्वस्थ रखें ताकि समाज और देश की सेवा कर सके। और जो दायित्व तो मुझे मिला है मेरी पार्टी हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास करके जो कृषि मंत्री का दायित्व तो दिया है, कृषक कल्याण और कृषि विकास, मैं किसानों का कल्याण कर सकूं, कृषि का विकास कर सकूं, प्रदेश और देश की समृद्धशाली खुशहाली में अपना योगदान दे सकूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसान की आय 2022 तक डबल करने की, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, मोदी जी ने दिया है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, किसान खुशहाल हो और खेती घाटे के धंधे से निकलकर लाभ का धंधा बने, किसान की आय 2 गुना 3 गुना और 4 गुना हो, उसमें मैं सफल हूँ, ऐसा भगवान से प्रार्थना की कि वो शक्ति दे कि हम किसानों की और जनता की सेवा करके प्रदेश और देश को शक्तिशाली समृद्धशाली व्यवसायी बनाते हुए भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। पहले अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस के राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष और कमलनाथ उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने किसानों से क्या कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के अंदर 2 लाख तक का सारा कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। थूक के चाटा है राहुल गांधी ने, कमलनाथ ने धोखा दिया है। वचन वचन क्या होता है, जब पति पत्नी शादी होती, विवाह होता साथ, तो 7 वचन दिए जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, भगवान रामचंद्र जी का देश है, उन्होंने अपने वचन के लिए प्राण दे दिए, दे देंगे लेकिन वचन खाली नहीं जाएगा। और ये कांग्रेसी झूठेले, थूक के चाटने वाले, धोखा देने वाले, सत्ता के लालची, सत्ता प्राप्त करने के लिए हर वर्ग को धोखा दिया, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, बुजुर्गों को, किसानों से कहा 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया, युवाओं से कहा था कि सरकार बनते से रोजगार देंगे, नहीं तो 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, है ना, ढोर चराने वाले को भी 4,000 रुपए देंगे, अंगूठा टेक को दिए क्या, महिलाओं से कहा था तुम्हारा समूह माफ कर देंगे, 1 रुपया नहीं किया, वृद्धों से कहा था, बुजुर्गों से, दिव्यांगों से, विधवा माताओं से 1,000 पेंशन करेंगे, नहीं किया, हर वर्ग को दैनिक वेतन भोगी को का रेगुलर कर देंगे, नहीं किया, यहाँ तक किया तो नहीं, उल्टा प्रदेश को विकास अवरुद्ध कर दिया। जो शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार जन कल्याणकारी योजना थी, संबल योजना, उसको बंद कर दिया, अंत्येष्टि के 5,000। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।